श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के ग्रंथादिराज समय सार जी के शुभारंभ का यह मांगलिक प्रसंग और इस समय सार ग्रंथ की महिमा जिन जिन ज्ञानियों ने अपनाई, जिन जिन ज्ञानियों ने इस महिमा को जाना और अपने जीवन में उतारा, उनका जीवन धन्य हो गया। समय सार किसके लिए है? मैंने एक दो दिन पूर्व, कब की बात है, इसकी चर्चा की थी। समय सार किसके लिए? शायद कल सुबह की ही बात। किसके लिए समय सार? और अनेक लोग इस तरह का तर्क भी करते हैं कि जिस समय सार को पढ़कर बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे, उस समय सार को पढ़कर यदि हम भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा। आप जानते हैं, भ्रष्ट हो जाना कोई बहुत अपराध नहीं है, भ्रष्ट बने रहना अपराध है। भ्रष्ट हो गए तो क्या हो गया, हो गए तो हो गए, लेकिन उसके बाद संभल गए क्या? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार दशा में जिसका अतीत अच्छा रहा हो, जिसका भूतकाल अच्छा रहा हो। मैं क्यों संसारियों की बात करूं? जितने लोगों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, उनका भी कोई अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा। निकले तो सब निगोद से ही थे, चतुर्गति परिभ्रमण पंच परावर्तन तो सबने किए थे, लेकिन पंच परावर्तन करते रहते तो अनर्थ हो जाता, लेकिन पंच परावर्तन करते हुए उस पंच परावर्तन को मिटाने का रास्ता अपना लिया, ये धन्य कार्य जिन्होंने किया वे भाग्यशाली हैं। पंडित प्रवर बनारसी दास जी भ्रष्ट भी हुए और भ्रष्ट हो गए इस बात का उन्हें भाव भाषण भी हुआ, तभी तो समल गए, तभी तो सुधर गए। अरे जिस समय सार को पढ़कर वे भ्रष्ट हो गए थे, उसी समय सार के अवलंबन पूर्वक वे समय सार मय भी हो गए। जो समय सार उनके भ्रष्ट होने में निमित्त बना, गोमट सार पढ़ लेने के बाद जब वो लाइन पर आए और पुनः समय सार पढ़ा, तो उन्हें लगा कि समय सार तो वो अमृत है जो जन जन की विषय वस्तु होना चाहिए। और बतलाते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि जब 400-450 वर्ष पहले बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना की, उस समय नाटक समय सार के छंद आगरा की गलियों और मोहल्लों में इस तरह गुनगुनाए जाते थे जिस तरह से आज फिल्मी गाने आज के युवा बालक बालिकाएं गुनगुनाते रहते हैं। ये नाटक समय सार क्या चीज है? जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब लोग गुनगुनाते थे इन छंदों को, क्योंकि बात ही कुछ अजब गजब की है। ये समय सार जैनियों का ग्रंथ नहीं है, ये समय सार जन जन का ग्रंथ है। ये जैनियों की बपौती नहीं है। ये समय सार में जो चर्चा की है वो जीव की चर्चा की है, आत्मा की चर्चा की है।
आत्मा को परमात्मा स्वरूप प्रतिष्ठापित किया है, आत्मानुभूति की विधि बतलाई है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना करके समय सार की आत्मख्याति टीका को आत्मसात भी किया और यहाँ छंदानुरूप से शब्दों को प्रस्तुत भी किया बहुत ही अच्छे ढंग से। हमने अनुभव की महिमा बतलाने वाले एक छंद की चर्चा कल आप लोगों के बीच में की थी, उसी प्रसंग को यहां आगे बढ़ा रहा हूं। कल हमने पढ़ा था अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यहु तीरथ की ठोर है। अनुभव की रसासो कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोड़े परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को और है, इस अनुभव के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये सब चर्चाएं कल कर चुके थे। अनुभव की ही महिमा बतलाने वाला एक और दोहा छंद इन्हीं बनारसी दास जी द्वारा लिखा गया, शायद ही कोई मुमुक्षु ऐसा हो जिसने अपने जीवन में कभी ना सुना हो, जरूर सुना होगा। ये ऐसा अद्भुत छंद है, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या चाहिए भाई साहब आपको जीवन में, बोलो। 1000 व्यक्तियों को लाइन से खड़ा कर दो और पूछो आपको क्या चाहिए। हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग हो सकती है कि नहीं नहीं साहब एक चीज बतलाओ, आपको गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको बंगला चाहिए तो क्यों चाहिए, सुविधाएं चाहिए तो क्यों चाहिए, साधन चाहिए तो क्यों चाहिए, अच्छे महंगे मोबाइल चाहिए तो क्यों चाहिए, भरा पूरा परिवार चाहिए तो क्यों चाहिए, एक बात बतलाइए हमें तो एक ही जवाब निकल करके सामने आएगा। एक ही जवाब है सबका कि सुख के लिए चाहिए, बस और कुछ नहीं। सिर्फ एक जवाब है, सुख सुख और सुख सुख के अलावा कुछ नहीं। दुनिया में कितनी भी वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो हम, लेकिन उद्देश्य एकमात्र यही है कि येन केन प्रकारेण बस सुखी हो जाए। लेकिन सुखी हो गए क्या? श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। पेंट शर्ट में सुखी होता है कि कुर्ते पजामे में, धोते दुपट्टे में सुखी होगा कि उनको उतारने से सुखी होगा? अरे न पहनने से सुखी होता है न उतारने से सुखी होता है। क्या सुख का रास्ता कुछ और है, समझना पड़ेगा हमारे को सुख कहां से मिलता है। ये सुख की बात कर रहे हैं, आत्मानुभूति के बिना कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। आत्मानुभूति अतींद्रिय आनंद की प्राप्ति वो सच्चे सुख का मार्ग है, वो मार्ग है, इसलिए उसे चिंता मणि कहकर के पुकारा है। सारी चिंताएं जहां मिट जाए यही तो चाहिए। अच्छा भोजन क्यों चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहिए, क्यों तबीयत ठीक रहनी चाहिए हमारे को? गर्मी लग रही है साहब, गर्मी लग रही है, गर्मी दूर होनी चाहिए कि क्यों, ये तो बतलाओ, सुखी हो जाएंगे उससे हम। सुखी होने के लिए गर्मी मिट जाए पंखे चला दो, कूलर लगा दो, एसी लगा दो, सुखी हो जाएंगे इससे। फिर हो गए क्या? सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। और हमारी हालत क्या है? मैं क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर हूं। तू की बात क्यों करे, यहां तो जनवाणी में मैं की बात है भाई साहब। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तू क्यों भयंकर भाव मरण, तो इसको ऐसा लगता है किसी और की बात कर रहे हैं। अरे मैं क्यों भागम भाग में लगा हुआ हूं, मैं क्यों दिन रात एक कर रहा हूं, जीवंदर जी साहब क्यों दौड़ रहा हूं मैं दुनिया भर में, किस लिए भागम भाग हो रही है? यहां सुख नहीं मिला तो कहीं और चले जाता है, घर पर सुख नहीं मिला तो दौड़ते हुए सोनागिर जी आ गए, यहां शांति नहीं मिलेगी तो वापस चला जाएगा, शिखर जी चला जाता है, गिरनार जी चला जाता है,
घूमने के लिए लंदन चला जाता है, पेरिस चला जाता है, स्विट्जरलैंड चला जाता है, ना मालूम कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है, सुखी होने के लिए दौड़ रहा है दौड़ रहा है, और इसे ये पता नहीं है कस्तूरी तो नाभि में है, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। वो कस्तूरी मृग वन वन में दौड़ता रहता है, सुगंध आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, इधर आ रही होगी, इधर आ रही होगी, दौड़ रहा है, भागम भाग कर रहा है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, कहीं सुख मिलेगा। लेकिन भाई तू कहां वन वन में भटक रहा है, कस्तूरी तो भीतर है, तेरी ही नाभि में है। बाहर में जो आनंद आ रहा है वो आनंद बाहर का नहीं है। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, तीसरे अधिकार में कुत्ता हड्डी चबाता है। ये अज्ञानी जी उसी प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, स्वाद हड्डी में से नहीं आ रहा है, स्वाद तो अपने ही लोहू का आ रहा है, अपने ही ब्लड का आ रहा है, सूखी हड्डी है और सूखी हड्डी को चबाता हुआ उसे ऐसा लगता है आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, रस आ रहा है, विषय भोगों को भोगता है और ऐसे लगता है कि रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे आनंद परमे से आ नहीं सकता है, क्योंकि आत्म तत्व अस्पर्श स्वभावी है, अरस है, अरूपी है, अस्पर्शी है, विषय भोगों को भोग सके ऐसी त्रिकाल इसमें योग्यता नहीं है, इस आत्म तत्व में ऐसी योग्यता नहीं है कि विषय भोगों को भोग सके। लेकिन मैं भोगता हूं, ये जो मान्यता है, जो रस आ रहा है वो ज्ञान का रस आ रहा है। एक वाक्य और दिया पंडित जी ने, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। अनुभव करो अपने आप को, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का नहीं, चैतन्य का अनुभव करो। ये चैतन्य के अनुभव करने के लिए बात कर रहे हैं, ये अनुभव चिंतामणि है, ये चिंतामणि है, सारी चिंताएं मिट जाएगी जिस चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लेने के उपरांत। अब दुनिया की कोई चिंता रहती नहीं है, ऐसा चिंतामणि रत्न तो तेरे देह देवालय में विराजमान है, कहां तलाशता है बाहर, बाहर में कहां देख रहे हैं, बाहर में कहां घूम रहे हैं। जिसकी हमें तलाश है वो मेरे पास है, जिसकी मुझे तलाश है वो कहीं और नहीं है। कितना आसान है उस अनुभव की प्राप्ति करना, कितना कठिन है कोई उपाय आपके पास में? कान पर लगा दिया हो यहां पेन, अनिल जी भाई साहब पेन लगा दिया यहां काम करते करते, और फिर ढूंढने लग गए कहां है, मिल नहीं रहा है। अभी तो यहीं रखा था, अभी तो मैं काम कर रहा था, मिल ही नहीं रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कितनी देर में मिलेगा राहुल जी, कितनी देर में, 5 मिनट या 15 मिनट? राकेश जी वैसा कोई जवाब है क्या, कितनी देर में, कोई टाइम बतलाया जा सकता है क्या? अच्छा आसान है या कठिन है, क्या कहें भाई साहब, ना कठिन कहते बनता है ना आसान कहते बनता है। मिल जाए तो सरल है और नहीं मिले तो घंटा दो घंटा खराब हो जाए, पता नहीं ढूंढते रह जाए। ऐसा ही है आत्म तत्व की उपलब्धि और आत्मा की अनुभूति ऐसी है। अरे यदि होनी हो तो शेर की पर्याय में हिरण को फाड़ करके खाते समय जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ, ऐसी परिस्थिति में और दो चार नदीधारी मुनिराज आसमान से उतर करके आए और काम हो गया, कोई उपदेश देने वाला नहीं है और सारे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा है, ऐसा एक हाथी त्रिलोक मंडन नाम उसका, और काम होना था तो एक मुनिराज को देखा और काम हो गया, बस इतना आसान है। इसलिए भैया मार्ग तो बहुत सरल है, प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? भव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाई, ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि ये प्राप्ति कठिन है, इससे ज्यादा सरल तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। दो विद्वान हमारे ऊपर मस्तक पर, एक दादा छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल साहब, वे कहते हैं चाय का प्याला बना करके पीना कठिन काम है, आत्मानुभूति इतनी भी कठिन नहीं है। जिस अनुभव की हम बात कर रहे हैं, जिस अनुभूति की हम बात कर रहे हैं, ये आत्मानुभूति, ये शुद्धोपयोग, ये अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति, एक कप चाय का प्याला बना करके पीने से भी आसान काम है। एक तरफ दादा का ये वचन और दूसरी वो सम्यक दर्शन का पात्र जीव है जिसे मूंगफली छील करके खाना आता हो। नवीन जी साहब आता है कि नहीं, किसको नहीं आता है, बहुत अच्छे से आता है, मूंगफली को छीलते हैं
और छील करके क्या करते हैं, अंदर की जो गुठली होती है उसको डाल देते हैं कचरे में और माल माल खा जाते हैं। ये क्या करते हैं है? अनिल दोषी जी क्या करते हैं बोलो, ये तो कर रहे हैं अपन। क्या किया अपन ने, अंदर की जो गुठली थी अंदर और ऊपर का जो छिलका था, इस छिलके को तो खा रहे हैं, इस छिलके को तो संभाल रहे हैं, और अंदर का जो माल है उस माल की खबर ही नहीं है, उस माल की परवाह ही नहीं है। अरे मूंगफली छील करके यदि अच्छे ढंग से खाना आता हो तो भेद विज्ञान किया जा सकता है। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, इससे ज्यादा क्षयोपशम नहीं चाहिए, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो और कुछ नहीं चाहिए, हो गया काम, इतने से काम हो जाता है। इस अनुभव को चिंतामणि रत्न के समान कह दिया गया है, अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव रस का कूप है, रस का कुआ है, अनुभव है रस कूप, अनुभव ही मार्ग है मोक्ष का। मोक्ष का मार्ग क्या है, गृहस्थ दशा से मोक्ष मार्ग होता है कि श्रमण मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। न तर्क वादे न च तत्व वादे, हरिभद्र सूरी का एक श्लोक है बहुत प्राचीन, यद्यपि वे श्वेतांबर आचार्य हुए, न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान, लेकिन श्लोक जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा गजब का लिखा है। हम तो कबीरदास जी के भी श्लोक प्रस्तुत करते हैं, तो क्या लिखते हैं वो, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। क्या, अरे किसी पंथ से मुक्ति नहीं होती है, क्या किसी पक्ष से मुक्ति नहीं होती है, अटाग्रे से मुक्ति नहीं होती है, पंथवाद में बटने से काम नहीं चलेगा। क्या हमारे यहाँ पंथवाद नहीं होता, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं होता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब व्यक्ति हावी होती चले गए तब तक पंथ और संप्रदायों में हम बढ़ते चले गए। क्या यहाँ व्यक्ति का सवाल नहीं है, यहाँ तो जिनवाणी का सवाल है, यहाँ तो जिनेंद्र देव की वाणी है, यहाँ तो हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। अनुभव रस कूप है, यही मोक्ष का मार्ग है। यदि ये अनुभव त्रियंच गति के जीव को हो जावे तो मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया, और यदि ये आत्मानुभूति नारकी को हो जावे तो मोक्ष मार्ग उसके शुरू हो गया। यदि ये आत्मानुभूति की प्राप्ति एक मेंढक का जीव कर लेवे तो वो मोक्ष मार्गी हो गया। भाई साहब अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, और अनुभव होते होते अनुभव में ही जब समा जाते हैं हो गया है मोक्ष। और क्या है मोक्ष, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कि होता कैसे है पंडित जी ये भी तो बता दो, हमने तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, हुआ नहीं कि जोर कहाँ लगाया था ये तो बताओ। हमने तो खूब जोर लगा लिया कि कहाँ लगाया था, कि समय सार पढ़ लिया पूरा का पूरा। दूसरे मिलते हैं वे, अरे पंडित जी आप पढ़ने की बात करते हो, हमने तो कंठस्थ कर लिया, पूरा कंठस्थ कर लिया। हमने भी सुनाया था अन्ना जी को, दो बार सुनाया, एक बार 1993 में, एक बार 1994 में, पूरी 415 गाथाएं सभा में भी सुनाई, सर्टिफिकेट दिया फिर उन्होंने। फिर क्या हुआ उसका, कि धर लो उसको और क्या करोगे। क्या क्या होगा क्या उससे, ये सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी ना होती है अनुभव के लिए। अनुभव सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनुभव की विधि बताओ, विधि क्या है, पढ़ना विधि नहीं है। सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आवे। स्वाद नहीं लिया, सब पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, ऐसी पंडिताई की। 11 अंग 9 पूर्व किसे कहते हैं, अंदाजा है क्या 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान क्या होता है, कुछ नहीं है। अपना जो ज्ञान है ये तो कुछ भी नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व मिथ्या दृष्टि के ज्ञान के सामने वर्तमान में अपने ज्ञान का क्षयोपशम समुद्र में बूंद बराबर है, कुछ भी नहीं है। और घमंड देखो अपना तो सातवें आसमान पर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अरे कितना ज्ञान है मेरे को, कितना ज्ञान है मेरे को,
कि भैया ये देखो क्या लिखते हैं, ये अनुभव नहीं हुआ, जिन्हें अनुभव हो गया है वे त्रियंच गति के जीव तुमसे अच्छे हैं। ये मूछ वाले को नहीं हो पा रहा है, वो पूछ वाला ज्यादा अच्छा है। ऋषभ देव स्वामी के समोह शरण में नहीं हुआ, कुल का अभिमान करता रहे, मैं कैसे कुल का हूं, देखो तो सही, मेरे पिताजी चक्रवर्ती हैं, अच्छा चाचा जी कामदेव हैं, वेरी गुड, दादाजी तीर्थंकर हैं, अरे वाह बहुत अच्छा, पर दादाजी कुलकर हैं, अंतिम कुलकर नाभि राय स्वामी, दादाजी चक्रवर्ती, पिताजी चक्रवर्ती, दादाजी तीर्थंकर और पर दादाजी कुलकर, चाचा जी कामदेव, दूसरे चाचा जी गणधर, अजब हो गया, और एक चाचा जी अनंत वीर, वो सबसे पहले मोक्षी जाने वाले, और बुआएं देखो आप ब्रह्मी और सुंदरी, और भाई देखो आप 923 नित्य निबोध से निकले थे और निर्वाण की प्राप्ति करने वाले, तुम्हें पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, तुम जानते हो कि हाँ फैमिली तो देख ली, और तुम मैं कुछ नहीं फैमिली की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, कि मैं कौन, क्या ये चाचा जी कलेक्टर है कि तुम कौन हो, ऐसी है तो चपरासी जैसी भी नहीं है भाई साहब, ये कह रहे हैं कुछ भी कर लिया, कितना भी पढ़ लिया, लेकिन अनुभव के बिना सब बेकार है। अब अनुभव का मार्ग क्या है और अनुभव की विधि क्या है, ये बनारसी दास जी ने दो लाइनों के अंदर बड़ी सुंदर पंक्तियों में दी है, सबको याद होगी पंक्तियां, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, अनुभव या को नाम, वस्तु विचारत ध्यावते, हम किसका विचार कर रहे हैं, धन का विचार कर रहे हैं, परिवार का विचार कर रहे हैं, स्वास्थ्य का विचार कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं भाई साहब, कहां कहां जा रहे हैं, जिंदल हैं कहां और कहां कहां जा रहे हैं, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते मन पावे विश्राम, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, मन विश्राम को प्राप्त करता है कि मन दौड़ता है, मन दौड़ता है इधर उधर, सबसे तेज गति यदि किसी की दिखाई देती है तो वो है मन, मन की चंचलता, मन की गति किससे छिपी है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ है इस मन की, यहां बैठे बैठे न मालूम कितनी बार घर चला जाता है, जिसका नाम लो वहां तक चला जाता है, अभी जिसका मैं नाम लूंगा वहां तक पहुंच जाएगा, शिखर जी की बात करो तो सेकंडों में शिखर जी जाकर के आ जाए, सेकंड के असंख्यात में भाग में जाकर के आ जाए, उपयोग कितना चंचल है, कैसी स्थिति है हमारी, भाई साहब बहुत चंचल है प्रदीप जी साहब, क्या ये मन बड़ा चंचल है, और ये कह रहे हैं मन पावे विश्राम, कि मन विश्राम प्राप्त करता है या नहीं, कि करेगा, जब तक मन विश्राम प्राप्त नहीं करेगा तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, मन को विश्राम दो, लेकिन एक शर्त लगा दी है, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, गर्मी लग रही है थोड़ी सी, अरे विचार करो ना वस्तु स्वरूप का, क्या होती है गर्मी, गर्मी क्या चीज है, गर्मी किसका नाम है, गर्मी मुझे लग नहीं सकती, गर्मी गर्मी किसका नाम है, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्णता नामक पर्याय है, क्या गर्मी, द्रव्य कौन सा है, पुद्गल, गुण कौन सा है उसका, स्पर्श नाम का गुण, और स्पर्श नाम के गुण की एक अवस्था है, स्पर्श गुण की अवस्था है ना ये गर्मी, और मैं कैसा हूं, समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं 49वीं गाथा में, हर समरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण सत्तम जान लिंग गहनम जीवम दिट्ट संथानम, मैं तो अरस हूं, मैं तो अरूपी हूं, मैं तो अस्पर्शी हूं, ये विचार कीजिए, ये भेद विज्ञान माने वस्तु स्वरूप का विचार, ये निरंतर चलना चाहिए, कब करें भाई साहब भेद विज्ञान कब करें, अनेक बार लोग पूछते हैं भेद विज्ञान कब करें पंडित जी, कैसे करें, वो भी विधि बतलाई है और कब करें ये प्रश्न खड़ा होता है, मैं पूछता हूं डॉक्टर के कब जाएं, जनवरी में कि मार्च में, अक्टूबर में, अशोक मांगुल्य जी बोलो कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए भाई साहब, जनवरी में जाना चाहिए भाई साहब,
डॉक्टर के तो जनवरी में जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कभी? संडे को जाएं या मंडे को जाएं, 1 तारीख को कि 5 तारीख को? अरे जब तबीयत खराब हो। क्या अनादिकाल से ये दुखी प्राणी जब दुखी है तो कहते हैं सुख प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान प्रति क्षण करो, हर क्षण भेद विज्ञान करो, हर क्षण भेद विज्ञान करो। देह और आत्मा का पृथक बोध कब नहीं करें, निरंतर चलनी चाहिए ये धारा, धारा प्रवाह रूप से चलनी चाहिए। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते उठते सब हर समय चलते फिरते। टाइम की फाउंडेशन नहीं है, धर्म में परतंत्रता नहीं होती, हमारा धर्म पराधीन नहीं है। जहां परतंत्रता है वहां धर्म नहीं है, एक नई परिभाषा याद कर लो। जहां परतंत्रता है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां परतंत्रता होती नहीं है। अब हमने कहां कहां धर्म मान रखा है, जरा एक बार उसकी लिस्ट बना करके देखो, फिर विचार करना कि वो परतंत्र है या स्वाधीन है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना धर्म है कि नहीं है? पैर टूट गया वंदना नहीं कर पाएगा, बोल परतंत्र है, अब धर्म तो कर नहीं सकता है। पराधीनता में धर्म नहीं होता भाई साहब, परतंत्रता में धर्म नहीं होता। पूजन करने में यदि धर्म दिखाई दे रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, परतंत्रता में धर्म नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है कि उपवास करने में धर्म है, जाप करने में धर्म है, स्वाध्याय करने में धर्म है, पढ़ने पढ़ाने में धर्म है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चीज में धर्म है, और यदि प्रतिकूलताओं के प्रसंग में हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या धर्म नहीं कर पाएंगे? तीव्र पाप कर्म के उदय में यदि हॉस्पिटलाइज हो गए तो फिर हम तो धर्म कर ही नहीं सकते। मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को सुना कोरोना पीरियड में, हमारा तो सारा धर्म ही छूट गया, हमारा तो सारा धर्म ही छूट गया, हमारे तो दर्शन छूट गए, हमारा तो स्वाध्याय छूट गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो पूजन नहीं कर पा रहे हैं, हमने 70 साल में कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन हम क्या करें, सारा धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा, हॉस्पिटल में है। भैया धर्म परतंत्रता में नहीं होता है, धर्म स्वाधीनता का नाम है। स्वाधीनता कहां है कि बाहर में परतंत्रता हो सकती है, ताले में बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया, मंदिर नहीं जा सकते हो, मंदिर नहीं जाओगे, पढ़ने नहीं देंगे तुम्हारे को, किताबें छीन ली और बंद कर दिया कि क्या बात करते हो तुम, एक ताले की बात करते हो, 48 में बैठे हो तो भी धर्मात्मा हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? धर्म का संबंध इससे थोड़ी है, धर्म अंदर की चीज है, अंदर का चिंतन, अंदर का विचार, अंदर में भेद विज्ञान की धारा जब बराबर चलती है वो ज्ञानी जीव धर्मात्मा है, जिसके अंदर में ये निरंतर धारा चला करती है। भेद विज्ञान की धारा कब नहीं चले, ट्रेन में चल रहे हो तब भी चलेगी, फ्लाइट में बैठे हो तब भी चलेगी, सफर कर रहे हो तब भी चलेगी, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाए रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। समय नहीं मिलता साहब, पंडित समय नहीं मिलता हमारे को, क्या करें साहब, आप ही बताओ, समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूं मैं तो, बिल्कुल मैं सुबह निकलता हूं और रात तक फुर्सत तो नहीं है मेरे पास में, 8 बजे मुझे निकलना पड़ता है और रात को 11 बजे घर में घुसता हूं मैं, मरने की फुर्सत नहीं है मेरे पास में। कि सुन जनवाणी ये कहती है तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसे मरने की फुर्सत नहीं है उसे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक स्थान ऐसा है जिस स्थान पर सिर्फ जन्म मरण ही चलता रहता है, निगोद में चला जाएगा, निरंतर जन्म मरण चलता रहेगा। किसे कह रहे हो आप मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, समय नहीं है ना? गुरुदेव ने एक स्थान पर अपने व्याख्यान में इस तरह की बात कही कि ये जो हिंदुस्तान की सड़कों पर गायें भैंसे घूमती फिरती हुई नजर आती है, जगह जगह मुंह मारती हुई नजर आती है, गाय भैंस ये सब पशु, उन्होंने कहा पता है ये कौन है? ये तो गुरुदेव ही कह सकते हैं, अपनी हिम्मत नहीं है ऐसी बात कहने की। बोले पिछले जन्म के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। क्या बात कर रहे हो आप? क्या उस समय हम इनको कहते थे कि थोड़ा धर्म कर लो, थोड़ा वस्तु स्वरूप का विचार कर लो, थोड़ा सा आत्मा का चिंतन कर लो, आत्मचिंतन का ये समय आया, तब क्या कहते थे? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। और अब गलियों में मोहल्लों में बाजारों में इधर उधर फिर रहे हैं, अब फुर्सत ही फुर्सत है, अब घूमते फिरो तुम, अपने आप के लिए समय नहीं है। और हम ये कह रहे हैं आपको अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिस वस्तु स्वरूप के विचार की यहां शर्त लगा रहे हैं बनारसी दास जी, जिस वस्तु स्वरूप के विचार की बात कर रहे हैं, ये वस्तु स्वरूप का विचार सदा काल किया जा सकता है, हर जगह पर किया जा सकता है। जहां आप बैठे हो वहां वस्तु स्वरूप का विचार हो सकता है,
किसी के भी बीच में बैठे हों, घर में हों, चाहे भोजनशाला में हों, चाहे युद्ध क्षेत्र में हों, चाहे दुकान में हों, कहीं भी हों, क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहां तो उदाहरण ऐसा मिलता है, युद्ध क्षेत्र में हाथी पर बैठे बैठे राजा मधु ने केश नोश करना प्रारंभ कर दिया था, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विचार, श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं कर विचार तो पाम, टोडरमल जी साहब कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 260 नंबर पेज नीचे से चौथी लाइन, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, लेकिन वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, किनके बिना भी, स्वाध्याय के बिना भी। अरे पढ़ने का नाम स्वाध्याय थोड़ी ना होता है, सारी दुनिया पढ़ने का नाम स्वाध्याय समझ रही है। यदि पढ़ने का नाम स्वाध्याय मानेंगे तो 2000 वर्षों से पहले तो पढ़ाई होती ही नहीं थी, कोई स्वाध्याय करता ही नहीं होगा, कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब शठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, हमारे परम श्रद्धेय पुष्पदंत आचार्य स्वामी के माध्यम से, भूतवली आचार्य स्वामी के माध्यम से, धर्मसेनाचार्य के निर्देशन में, उसके पहले तो लिपिबद्ध नहीं थे ना ग्रंथ, तो क्या श्रावक स्वाध्याय नहीं करते थे? क्या मुनिराज स्वाध्याय नहीं करते थे? क्या स्वाध्याय नहीं होता था? अरे उसका नाम स्वाध्याय है ही नहीं। स्वाध्याय तो, स्वाध्याय के बिना रहेंगे कैसे आत्मार्थी? स्वाध्याय तो निरंतर होता था, लेकिन स्वाध्याय होता था, स्वाध्याय होता था। किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, पढ़ने के बाद में जो चिंतन किया उसका नाम स्वाध्याय है, पढ़ने के बाद में जो विचार किया उसका नाम स्वाध्याय है। वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु विचारत ध्यावते, और विचार करते करते, जब विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, निरंतर विचार कर रहे हैं, विचार करते करते क्या होता है, मन पावे विश्राम। आप विश्राम कब करते हैं? आपको नींद कब आती है? जब आप थक जाते हैं। बहुत ज्यादा थकान होती है तो बैठे बैठे भी नींद आने लग जाती है, क्या प्रचला में चले जाते हैं क्या? अब जब प्रवचन के बाद प्रवचन, प्रवचन के बाद प्रवचन, विधान कार्यक्रम होते हैं तो शास्त्र सभा, प्रवचन सभाओं में बैठे बैठे लोग क्या प्रचला में चले जाते हैं। जानते होंगे प्रचला तो क्या है? हमारे यहां शास्त्रों में 5 प्रकार की निद्रा कही है, क्या 5 प्रकार की निद्रा कही है? अनिल भाई सब सुनी होगी आपने, प्रचला निद्रा, प्रचला प्रचला निद्रा, निद्रा स्त्यान गृद्धि, जय कुमार जी सब, प्रचला फिर निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा निद्रा, फिर स्त्यान गृद्धि, ये 5 प्रकार की निद्रा है। इनमें जो पहले नंबर वाली निद्रा है ना प्रचला, जब कभी लोग मुझसे पूछते हैं ये प्रचला क्या होता है, तो मैं लोगों को ऐसा कहता हूं अपनी भाषा में कि ये प्रचला निद्रा वाले लोग अधिकांशतः स्वाध्याय सभाओं में पाए जाते हैं। ये कैसी निद्रा होती है? ये ऐसी निद्रा होती है भाई साहब जिसमें झपकी भी लेता रहता है क्या, और हाथ भी हिलाता रहता है क्या, और कभी कदाचित ऐसा भी हो जाए और बगल वाला कहे नींद आ रही है, मुझे कहा नींद आ रही है, नहीं नहीं सुन रहा हूं मैं तो, सुन रहा हूं, और कदाचित पंडित जी की पकड़ में आ जाए और पंडित जी पूछ ले वे कि भैया तुम्हें नींद आ रही है? नहीं नहीं पंडित जी। अच्छा बताओ क्या कहा, रिपीट कर दे भाई साहब, जो बात कही है उस बात को रिपीट कर दे वे, ऐसी निद्रा का नाम है प्रचला। ये पहले प्रकार की निद्रा है प्रचला। दूसरी होती है निद्रा, निद्रा है सामान्य नींद, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो सामान्य नींद है उसका नाम है निद्रा। लेकिन थर्ड नंबर पर है प्रचला प्रचला, ये बड़ी खतरनाक है। ये कैसी होती है? जब प्रचला प्रचला नामक, ये दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति आए, जब प्रचला प्रचला नामक दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तो ये जीव नींदों में बड़बड़ाने लगता है, खुद को नहीं पता लगता है, लेकिन जब बगल वाला पार्टनर हिला करके पूछता है क्या कह रहे हो, नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं क्या, ये प्रचला प्रचला है। ये तीसरे प्रकार की निद्रा है। चौथे प्रकार की निद्रा है नींद पर नींद, निद्रा निद्रा मां निद्रा है, उठाने से भी नहीं उठे ऐसी निद्रा। जगत में ऐसा कहा जाता है कि कुंभकर्ण जैसी नींद, लेकिन कुंभकर्ण जैसी नहीं, क्योंकि कुंभकर्ण तो ज्ञानी थे क्या, हाँ हाँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं
जगत में ऐसा कहा जाता है, उठाने से भी नहीं उठे, ऐसी निद्रा निद्रा, एग्जाम टाइम चल रहे हैं और बच्चे घर में कह करके सोए हैं कि सुबह 4 बजे उठा देना, उठ करके पढ़ेंगे, और जब वे उठते हैं तो घड़ी देखते हैं 7, और फिर चिल्लाते हैं घर पे मम्मी पापा के ऊपर, आपने मुझे उठाया नहीं, आपने मुझे उठाया नहीं, कि उठाया तो था तू उठाई नहीं। ये चौथी निद्रा, निद्रा निद्रा। और पांचवी निद्रा, निद्रा तो रोग जैसी कहलाती है, बीमारी जैसी कहलाती है, स्त्यान वृद्धि नाम है, नींदों में चलने की आदत होती है, उठ करके चलने लगता है। 3 लोग ऐसे हैं इस धरातल पर अभी जिन्हें मैं जानता हूं, जिनको नींदों में चलने की आदत है। प्रमोद जी भाई साहब, सच्ची घटना है, नींदों में चलते थे, और जब वो नींदों में से उठ करके चलते थे तो जो क्लास में साथी थे, अरे जाता कहाँ है, पहले तो पता नहीं था शुरू शुरू में, फिर जब पता लगा तो ये उठ करके जाने लगा, तो आगे जाते जाते फिर उसको घुमा देते थे, दोबारा घूम करके कमरे में आ जाता था, फिर बाद में अंदर से ताला लगा करके सोने लगे। 3 घटनाएं हैं ऐसी, जिन 3 व्यक्तियों को जानता हूं मैं, स्त्यान वृद्धि। अपन लोगों में तो नहीं है ना किसी की ऐसी निद्रा? नहीं नहीं, नहीं अपन लोगों की थोड़ी नहीं। अरे भाई साहब, स्त्यान वृद्धि का बाप बैठा है यहां अंदर, मोह की नींद, क्या बात कर रहे हो आप, सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, मोह की गहल में सो रहे हैं, इस तरह से सो रहे हैं कि अपने आप की खबर नहीं है, अपने आप की सुध-बुध नहीं है, अपने आप का परिचय नहीं है, मैं कौन हूं इस बात को जानते नहीं है, पर्याय मूड हो रहे हैं, पज्जे मूड़ा ही पर समया, निरंतर निरंतर ऐसा मान करके बैठे, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, ये मोह हावी हो रहे, ये मोह की निद्रा हावी हो रही है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं विचार करना, विचार नहीं कर पाते हैं, वस्तु विचारत, विचार करते करते नींद कब आती है, जब थक जाते हैं। अरे विचारों का लेवल इस लेवल तक पहुंच जाए कि वे विचार विश्राम को प्राप्त हो जाएं, अपने आप मन पावे विश्राम, तब क्या होता है, मनार्सी दास जी लिख रहे हैं, रस स्वादत सुख उपजे, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम, इसका नाम अनुभव है। ये बनारसी दास जी ने अनुभव की विधि बतलाई है, अर्ध कथानक के अंदर जो अंतिम छंद लिखा था उन्होंने, मैंने शायद भूल करके बतलाया था कल आपको, बस वो दोहा बोलता हूं मैं, बदल गए थे उन्होंने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया था, समय सार में हाथ में आ गया तो उनका जीवन धन्य हो गया, जीवन निहाल हो गया उनका। तो ज्ञान कुतक का हाथ, कुतक का माने हथियार, चाकू ऐसा छुरी, ज्ञान कुतक का हाथ, अंतिम समय की बात है बनारसी दास जी की, जवान नहीं निकलती थी, शब्द नहीं निकलते थे, कुछ बोला नहीं जाता था, अंतिम समय, ऐसे मरणासन्न अवस्था चल रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वैद्य जी ने जवाब दे दिया है, अब कुछ बोलने की स्थिति नहीं है, होठ थोड़े से हिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ लिखना है, और तुरंत आसपास वाले लोग कागज पेन लाओ, कागज पेन, पता नहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं वो 3 नंबर दादा बताते हैं, पता नहीं कहां किससे कितना लेना होगा, कहां प्रॉपर्टी होगी, कहां धन होगा, कहीं गार्ड रखा होगा, कहीं छिपा रखा होगा, कुछ लिख देंगे, बताओ तो सही, कोई कहो उनको बुला लो, उनको बुला लो, उनके मोह में अटके हैं, अभी तो इनके प्राण अटके हुए हैं, इनके तो अभी प्राण अटके हुए हैं, बच्चों के मोह में, परिवार के मोह में, और ये बनारसी दास जी क्या लिखते हैं जब कागज पेन हाथ में आता है तो, ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरी मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम मोहना, या पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। अरे बनारसी दास जी चले गए लेकिन हमें ये मार्ग दे गए, टोडरमल जी चले गए लेकिन हमें ये मार्ग दे गए, गुरुदेव श्री चले गए लेकिन हमें ये मार्ग दे गए, ये विधि दे गए, हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ये माल भरपूर मिला है वर्तमान में, ऐसा माल हमारे को मिल गया है कि आप जब चाहें आत्मानुभूति कर सकते हैं, शायद पिछले 2000 वर्षों में ऐसा स्वर्ण काल कभी नहीं आया हो जैसा काल वर्तमान में आ गया है। लोग इसे निकृष्ट काल कहते हैं, मैं कहता हूं इससे उत्कृष्ट काल और क्या होगा। यह माल हमारे को मिल गया है, प्योर माल मिल गया है,
बीच बीच में मिलावट होती रही और मैं नहीं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। यदि हमारा जन्म 100 साल पहले हो जाता तो पता नहीं क्या मिलता, और यदि हमारा जन्म 100 साल बाद में होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन आज हमारे पास में समय सार है और समय सार की शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं भी है। हम सब इन चर्चाओं को करते हुए अपने जीवन को सफल करें, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूं। सजानंदी सो